दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो पेलमेंट आरम डोर क्लोजर होता है। तो ये वो डोर क्लोजर है जो हम अपन 90 डिग्री 100 डिग्री जहाँ हम चाहे इसको रोक सकते हैं। तो ये 90 डिग्री लॉक सिस्टम वाला डोर क्लोजर है। तो सबसे पहले इसकी कीमत बता देता हूँ, ये अपने को मिलता है 1150 रुपये में, ठीक है। तो अभी इसका अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसमें कैसे इसमें क्या कुछ हमें मिलता है और ये कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसकी जो वारंटी की बात करें तो 3 साल की इसकी वारंटी है। चलिए अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये अपने ये हाइड्रोलिक मशीन है ये। तो अगर ये मतलब डोर है इस तरह लग गया तो ये इसके ऊपर कवर दिया गया है, ठीक। तो ये 4 होल हैं इसको फिक्स करने के लिए। तो ये हो गया हाइड्रोलिक मशीन और ये है वो पेलमेट आर्म। तो ये इसमें है वो जो 90 डिग्री या 100 डिग्री से जो इसको रोकने वाला जो सिस्टम है वो इसमें काम करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से फिटिंग होता है जो कि थोड़ा आगे बताऊँगा। तो ये जो रिक्शा कैसे है वो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। तो इसमें ये एक्सेसरी इसके पेच वगैरह हैं और इसके साथ में हमें एक मिलती है एलन की। तो इसके साथ में ये एलन की मिलती है और ये प्लास्टिक के गुटके हैं जो इस तरह से इसमें फिक्स हो जाएंगे चैनल के अंदर। तो अब आपको दिखाता हूँ कि ये जो 90 डिग्री वाला सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। तो ये जो सिस्टम लगा हुआ है इसमें अपना 90 डिग्री ये जो डोर हमारा 90 या 100 डिग्री कहीं पे भी इसकी वजह से रुकता है, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर हमको कहीं पे भी अपनी डोर को स्टॉप करना है रोकना है तो इसको वहीं पर एलन की से ये जो स्क्रू है इसको हम टाइट कर देते हैं। तो अब जैसे ही डोर को हम खोलेंगे तो डोर यहाँ पर आकर लगेगा, तो इस तरह से ये लॉक हो गया, ठीक है। तो अब क्योंकि हाथ से खींचना थोड़ा मुश्किल है जब ये वुडन डोर होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एल्युमिनियम डोर में वर्क नहीं करेगा क्योंकि इतना मजबूत नहीं होता है एल्युमिनियम डोर। तो अब इसको एक झटके से खोलेंगे तो ये है जो अपना डोर निकलेगा यहाँ से। तो अभी तो नहीं निकल रहा है, यानी कि जो वुडन डोर होगा वही को खींच के निकालेगा। कोशिश करके देखते हैं कि ये निकलता है या फिर नहीं निकलता है। काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। जी नहीं, ये तो नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो ये वुडन डोर ही निकाल पाएगा इसको। तो अब इसमें ये एल्युमिनियम डोर में हम लगा देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अपना एल्युमिनियम डोर बहुत ज़्यादा दिन चल पाएगा।
और इसमें और क्या है वो लेते हैं, ये इसमें इसका जो लगाने का तरीका है वो दिया गया है। तो ये जहाँ जहाँ पे होल है पूरा जो 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 चीज़ें जैसे जैसे लगनी है जैसे जैसे लगनी है वो सब इसमें बताया गया है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ से कैसे लगाना है वो इसमें दिखाया गया है। ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है डोर क्लोजर का मार्किंग, तो ये एकदम डोर क्लोजर जो अपनी हाइड्रोलिक मशीन है उसका एकदम परफेक्ट मार्क दिया गया है, यही साइज है उसका। और इसी साइज पे ये जो इसके होल है वो आ जाएंगे। और ये ऊपर ये अपना चैनल लग जाएगा ऊपर बाजू में जोगाट के साथ। और यहाँ पर कौन सी जगह रोकना है, किस जगह रोकना है, जो मैंने दिखाया वो आपको स्टॉपर जो बना हुआ है तो वो आपको अगर 100 डिग्री पे रोकना है तो यहाँ पे फिक्स करना है, 180 डिग्री पे रोकना है तो यहाँ पे फिक्स करना है जो एलन की से स्क्रू है। तो ये इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि कैसे फिटिंग करनी है डोर इस डोर क्लोजर की, जो कि 90 डिग्री होल्डर है। तो चलिए दोस्तों अभी आपको पता चल गया होगा कि इसका इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कि क्या इसका प्राइस है और क्या क्या एक्सेसरीज में मिलती है। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।